हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके साथ मैं बर्गर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा देना है। कढ़ाई के गर्म होते ही हम उसमें डालेंगे लगभग 8 स्पून सरसों तेल। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 स्पून जीरा। जीरा हम तब ही डालेंगे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे 1 मीडियम साइज अनियन, जिसे मैंने चॉप करके रखा था। उसके बाद हम उसमें डालेंगे गार्लिक 6 से 8 पीस, उसे भी मैंने चॉप करके रखा है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 5 से 6 पीस चॉप चिली। अच्छे से आप इसे फ्राई कर ले जब तक ये रेडिश ब्राउन कलर का ना हो जाए। अच्छे से आप इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक चलाते रहें धीमी आंच पर। मैंने 4 पीस आलू पहले से ही उबाल कर छील कर रख दिए थे साइड में, तो अब मैं उन आलू को इसमें डालने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं आलू बॉयल्ड है और मैंने उसे अच्छे तरीके से मैश कर दिया है। आप आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लें। उसके बाद मैंने लगभग 1/2 कटोरा चूरा भिंगो कर रखा था, उसे ही मैंने डाला है। और अच्छे से हम इसे मिला देंगे। अच्छे से मिला लेना है हमें इसे, ताकि चूरा और जो हमारा आलू है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी लगभग 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद हम मैंने डाला है इसमें चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने डाला है रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिल जाने चाहिए। अच्छे से आप इसे लगभग 5 मिनट तक फ्राई करते रहें, मिला लें। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, जो कि लगभग 1 स्पून के बराबर होगा। फिर से मैंने इसे अच्छे से मिलाकर गूंज लिया था और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अच्छे से आप इसे फैला दें प्लेट में, ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए और जल्दी ठंडा हो जाए। अब हम एक कटोरा ले लेंगे। इस कटोरे में हम डालेंगे लगभग 3 चम्मच मैदा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूजी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच अरारोट। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1/2 कप पानी। पानी हमें धीरे धीरे करके डालना है। उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इन सभी को हमें अच्छे तरीके से मिला लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उसे अच्छे से मिला लिया है। कंसिस्टेंसी जो होगी वो इस लिक्विड की वो होनी चाहिए फ्लूइड, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में इस टाइप की होनी चाहिए। अब हमें बर्गर को कट करना है, तो हम बर्गर को बीच से काटेंगे। आप बर्गर को गोल गोल घुमाकर उसे कट करें, ताकि बर्गर जो है वो अच्छे तरीके से कटे और इक्वली कटे। जैसे कि आप देख सकते हैं बर्गर को मैंने काट लिया है। अब हम बर्गर को साइड में रख देंगे और ये रहा जो हमने स्टफिंग बनाई थी आलू की, उसे मैंने ले लिया है। इसे हम गोल गोल कर लेंगे हाथों की मदद से। आप उसे गोल गोल कर ले और इसकी साइज जो है वो बर्गर की साइज से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। तो हम इसे बर्गर पर एक बार रखकर देख लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसे गोल शेप दे दिया है। अब मैं इसे बर्गर के ऊपर डाल के देख रही हूँ, तो ये जो है बर्गर के बीचों बीच आ रहा है और बीच में साइड में जगह भी बच रही है। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। मैंने 2 से 3 पेटीज को बनाकर रख लिया है गोल गोल साइज। अब हम इसमें लिक्विड जो हमने फ्लूइड बनाया था उसमें हम डालेंगे। अच्छे से आप इसे कवर कर लें, इसे चारों तरफ से चम्मच की मदद से मैं उसे अच्छे से कवर कर ले रही हूँ। उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल कर रख देंगे और इसके ऊपर हम सूजी स्प्रिंकल करेंगे। अच्छे से है, देख लीजिए मैंने उसे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सूजी स्प्रिंकल कर रहे हैं। इससे जो है हमारी जो पेटीज है वो क्रिस्पी बनेगी, क्रंची लगेगी खाने पर। तो इसे आप अच्छे तरीके से कवर कर दें सूजी की मदद से। मैंने ब्रेड क्रम्स भी यूज़ किए हैं इसे कवर करने के लिए। तो आप सूजी और ब्रेड क्रम्स दोनों का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप इसे पलट दें। फिर से हम इसके ऊपर लिक्विड फ्लूइड जो हमने बनाया था उसे हम डालेंगे।
और फिर से हम इसके ऊपर सूजी और ब्रेड क्रम्स स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छे से आप स्प्रिंकल कर दें सूजी और ब्रेड क्रम्स को चारों तरफ से। एक साइड में मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई के गर्म होते ही मैं उसमें रिफाइंड तेल डाल दूंगी। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो अब मैं उसमें रिफाइंड तेल डाल दे रही हूँ। रिफाइंड तेल ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, हम एक एक करके पेटीज को फ्राई करेंगे तो उसी के हिसाब से हम रिफाइंड तेल कढ़ाई में डालेंगे। अब मैंने पहला पेटीज को कढ़ाई में डाल दिया है। तेल जो था वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था। इसे आप बीच में रख दें और आराम से लो फ्लेम में फ्राई होने के लिए छोड़ दें। जब एक साइड से लगे कि लाल हो चुका है या हल्का सीझ चुका है तब हम उसे पलट देंगे और इसे हम रेडिश होने तक फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें इस स्टेज तक उसे फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम उसे निकाल कर साइड में रख देंगे। बर्गर को आप तवे पर हल्का सा टोस्ट कर दें रिफाइंड तेल डालकर। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कैबेज जो कि मैंने हाफ बॉईल कर लिए थे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉस, तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अनियंस जिसको मैंने गोल शेप में काट कर रखा है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटोस। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी पेटीज। उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं मेयोनीज। उसके बाद हम इसमें फिर से डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे बर्गर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा होममेड बर्गर रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, इजी भी है बनाना। आप इजीली आप इसे घर पर बना सकते हैं, इंग्रेडिएंट भी इजीली आपको घर पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इस तरह की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।